उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह। हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर। नमस्कार, UFT न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं बड़ी खबर पर। कौशाम्बी के थाना पश्चिम सरीरा से 20 कदम की दूरी पर काजल इलेक्ट्रॉनिक्स में बुधवार रात चोरों ने हाथ साफ किया। लगातार चोरियों से दहशत में है व्यापारी और ग्रामीण। पश्चिम सरीरा थाने से 20 कदम की दूरी पर काजल इलेक्ट्रॉनिक्स में बुधवार रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोर रात में थाना पश्चिम सरीरा से महज 20 कदम की दूरी पर मोबाइल शॉप में पीछे की तरफ से जाली तोड़कर अंदर जाते हैं और डांस करके चोरी को अंजाम देते हैं। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और चोरों का चेहरा साफ नजर आ रहा है। चोरों ने लगभग 1,20,000 के आसपास के मोबाइलों को चोरी किया है। अब CCTV फुटेज होने के बाद भी क्या अब चोरों को पकड़ पाएगी पश्चिम सरीरा पुलिस या फिर चोरों के हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे? इससे पहले भी UFT न्यूज 24 की टीम ने आपको दिखाया था कि किस तरह पश्चिम सरीरा में चोरियों का दौर जारी रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी श्रीराम गारमेंट्स में हुई चोरी के बाद व्यापार मंडल ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे में आश्वासन दिया था कि वो चोरी का पता लगा लेंगे। लेकिन जब UFT न्यूज 24 की टीम ने व्यापार मंडल के अध्यक्ष विपिन केसवानी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पुरानी चोरी का खुलासा अभी तक नहीं हुआ, बल्कि फिर से चोरी हो गई है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष विपिन केसरवानी से जब बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि इससे पहले भी श्रीराम गार्मेंट्स में लाखों की चोरी हुई थी। उसमें व्यापार मंडल ने चौराहा जाम कर आक्रोश दिखाया था कि चोरी को रोका जाए और रात में ज्यादा से ज्यादा गश्त लगाएं और 24 घंटे में पश्चिम सरीरा पुलिस चोरी का खुलासा करे। आप क्या कहना चाहें? ये हमारे व्यापारी हैं, काजल इलेक्ट्रॉनिक सुरेश कौशल जी हैं। अभी बीती रात में इनके यहाँ चोरी हुई। इन्होंने बताया कि लगभग मेरे यहाँ से 20 से 25 हैंडसेट मोबाइल चोरी हुई है और तत्काल इसका कुछ न कुछ निदान निकलना चाहिए। पूर्व में हमारे पश्चिमरा व्यापारी कपड़ा व्यवसायी के यहाँ भी लगातार चोरियाँ होती जा रही हैं। अभी मैंने CEO साहब को अवगत कराया है, SO साहब को भी फ़ोन किया है, उन्होंने कहा जल्द से जल्द इसका हम निदान करते हैं। हमें काजल इलेक्ट्रॉनिक के नाम से हमारी दुकान है। हमारी दुकान में पीछे की तरफ से पाटन उखाड़ करके चोरी हुई, लमसम 1,00,000 रुपये और कुछ नकदी जो कि सिक्का 4,000-5,000 रुपये के आसपास था। प्रशासन कुछ नहीं कर रही। पश्चिम सरीरा में चोरी कम से कम 3-4 बार हो चुका है और थाने के बगल का ही मामला है और आगे कार्रवाई में चाहता हूं कि इसका कम से कम कुछ तो निदान निकले। कैमरा है, कैमरे में फुटेज है, फोटो है, सारी चीजें हैं, लेकिन प्रशासन आगे देखते हैं क्या करती है। खुलासा तो हो नहीं पाया। एक नई चोरी काजल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गई, जिसकी सूचना कौशाम्बी के उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। कौशाम्बी से सतीश गोयल के साथ शहनवाज खान की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। UFT न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह। हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर।